तालीम का, यूनिवर्सिटीज़ का, और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से सरकार बाज़ाब्ता तौर पर जो यूनिवर्सिटी बिल्स लाई है उस बिल्स के हवाले से क्या कुछ होने वाला है। जम्मू कश्मीर के पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल जो है उसमें सरकार ने यूनिवर्सिटीज़ को प्रपोजल्स भी दिए हैं और उन्हीं प्रपोजल्स के हवाले से अब यूनिवर्सिटीज़ को सालाना रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है और बताया गया है कि जो ये सालाना रिपोर्ट है गवर्निंग काउंसिल के सामने इसको रखा जाए और उसका बाज़ाब्ता तौर पर एक आज़ादाना जायज़ा भी लिया जाए। ये यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022 जो है ये उसमें तजवीज़ किया गया है और हर यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी है कि वो यूनिवर्सिटी के जो हुकाम के जो अहकाम है उनको सालाना रिपोर्ट पेश करें और साथ साथ में इस पर पूरी तरह से रेगुलेट करें सभी मामलों को आसिफ। और बेहतर रहेगा, साहिल इकबाल हमारे साथी है जो है वो श्रीनगर में है, उनसे हम मज़ीद तफसीलात लेंगे इस हवाले से क्या कुछ है, मज़ीद तफसीलात हम उनसे लेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ बिल आने के बाद हमने मुखालफत भी जम्मू के अंदर देखी, एबीवीपी की तरफ से भी एहतजाज किया गया, कुछ तलबा तंजीमें इनके साथ हुई कि यूनिवर्सिटी बिल लाने से जो यूनिवर्सिटियों के पास आज़ादाना एक तरह से राय रखने का मौका था, अख्तियारात थे, वो कहीं ना कहीं छिन गए और सरकार ने इस तरीके से कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन अब चूंकि सरकार ने क्लियर कर दिया इसमें पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ बिल 2022 में जो चीज़ तजवीज़ की गई थी वो ये थी कि एक तो गवर्निंग काउंसिल के सामने जायजे के लिए ये बातें रखी जाएंगी जो यूनिवर्सिटीज़ लिख कर देंगी, दूसरा सालाना रिपोर्ट जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को लिख कर हुकूमत के सामने रखनी है जिसके बाद एक साल का प्लान आगे का यूनिवर्सिटीज़ का जो होगा वो इस हिसाब से तरतीब दिया जाएगा। आसिफ हमारे साथ साहिल इकबाल है श्रीनगर से। साहिल बताइए क्या है ये यूनिवर्सिटी बिल में तजवीज़ और किस तरह से सरकार इस पर काम कर रही है। बिल्कुल सलम, आपको मैं बता दूं कि शफाफियत देखने के लिए या यूनिवर्सिटी के ट्रांसपेरेंसी देखने के लिए और इनकी जो परफॉर्मेंस है यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस है वो देखने के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक यूनिवर्सिटी बिल जो है उसको लाया गया है और यूनिवर्सिटीज को जो है कहा गया है कि वो एनुअली जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट रिव्यू जो है वो भी प्लेस होगा गवर्निंग काउंसिल जो होगी उनके सामने और एनुअली जो रिपोर्ट पेश करना है उसमें आपकी जो कारकर्दगी है उसको देखना है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होंगी फाइनेंशियल ईयर की वो भी आपको उसमें इंक्लूड करनी है और उसके साथ साथ जो रैंकिंग वगैरह आपकी है यानी जो एक्रेडिटेशन है या उसके साथ नेशनल या इंटरनेशनल रैंकिंग है वो आपको सबमिट करनी है इस प्लान में और उसके साथ साथ आप क्या प्लान बना रहे हैं, आगे वाला जो प्लान है वो क्या बना रहे हैं उसका भी एक रिपोर्ट आपको गवर्नमेंट को देना है और ये रिपोर्ट जो है बाद में फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा और वो उसे देखेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट जो है पब्लिक डोमेन पर आएगा यानी लोग जो है इसको सकेंगे पब्लिक डोमेन पर और इस यूनिवर्सिटी के बारे में फिर लोग जान सकेंगे कि वहां पर क्या कुछ कार्रवाइयां हो सकती हैं, किस तरह से वहां पर चीजें चल रही हैं और इसके साथ साथ एक रिव्यू जो है इंडिपेंडेंटली जो है वो भी हर दो साल में एक दफा करना लाजमी रखा गया है और इसके लिए जो बॉडी बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दी जाएगी यानी जो अफराद इसकी इसका रिव्यू करेंगे वो गवर्नमेंट की तरफ से तश्कील दिए जाएंगे और वही इंडिपेंडेंटली करेंगे यानी यूनिवर्सिटी से नहीं होंगे, वो बाहर से होंगे और वो इंडिपेंडेंटली इसका रिव्यू करेंगे और सारी चीजों को देखेंगे, उसके बाद जो भी पैरामीटर्स उनमें आती थी उसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और फिर वो रिपोर्ट भी जो है जो गवर्निंग काउंसिल होगी गवर्नमेंट की तरफ जो है भेजी जाएगी और फिर उस चीज को भी रिव्यू किया जाएगा, उस चीज को भी देखा जाएगा और उसको भी फिर जो है पब्लिक डोमेन पे रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है नई तरीके से आ रही हैं जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल रैंकिंग है, क्वालिटी है और डिलीवरेबिलिटी है और फाइनेंशियल सेल्फ सफिशियंसी जो है इसमें इस जो है इनको दिखानी है इस रिव्यू में और आप क्या कुछ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वहां पे आपकी कारकर्दगी क्या है और उसमें आपके आगे वाले जो प्लान्स हैं वो क्या रहेंगे, ये सारी चीजें जो है आपको दिखानी है इस रिपोर्ट में। जी बहुत शुक्रिया साहिल। साहिल इकबाल श्रीनगर से। इस खबर के पस मंजर में या यूं कहीं यूनिवर्सिटीज़ एक ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के ऑटोनॉमस बॉडीज़ पे यूजीसीज़ का जो होता है कंट्रोल होता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की सरकार जो है जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ पे कहीं न कहीं कंट्रोल करने की लोग का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि जितना भी जो यूनिवर्सिटीज़ का एक दायरा अख्तियार है उसको तजावज़ करने की सरकार कोशिश कर रही है, उन पर इन्फ्रिंज करने की कोशिश की जा रही है और इस पर बहुत से लोगों को एतराज़ात भी हैं। कुछ लोग इस पर यूनिवर्सिटी बिल 2022 पे एतराज़ात भी करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती हैं ये ऑटोनॉमस
अथॉरिटीज बॉडीज होती हैं, इन पे कंट्रोल वगैरह जो होता है वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट्स का।